हेलो फ्रेंड्स, DR.RK टॉक्स के इस एपिसोड में आपको स्वागत है। जैसा कि आपको बताते हैं, पिछली बार हमने मुंह में होने वाले पाचन के बारे में बताया था। इस बार एक मुंह में बहुत कॉमन परेशानी के बारे में अपन जानेंगे, वो है माउथ अल्सर्स या मुंह में होने वाली छाले। सबको अपने जीवन काल में कभी ना कभी छाले से होने वाली परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि 20% लोगों को हमेशा छाले या कभी ना कभी छाले होते ही रहते हैं या वो अपने जीवन काल में हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि छाले आखिरकार मुंह में क्यों होते हैं या ज़्यादातर मुंह में छाले क्यों बनते हैं। तो उसके कुछ कारण हैं, उसको आज अपन जान रहे हैं। सबसे पहला कारण है पतली म्यूकोजा। तो अपन जानते हैं कि जो चमड़ी है अपनी और अंदर की जो मुँह की लाइनिंग है उसको कहते हैं म्यूकोजा। तो वो चमड़ी से पतली होती है, पतली होने की वजह से वो जल्दी से टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। उसी को अपन छाला कहते हैं या घाव कहते हैं। तो जैसे मुँह में जैसे दांत है, दांत शार्प हो जाए, दांत में कुछ इलाज करवाया हो, दांत टूट जाए, या जैसे वायरिंग करवाई हो मुँह में, या कोई जैसे बहुत गर्म चीज़ ले ली खाने में, बहुत तीखा, या बहुत कोई केमिकल या पॉइजनिंग हो गई, एसिडिक या एल्कलाइन पॉइजनिंग हो गई, या इस तरह का कोई भी केमिकल मुँह में पहुँच गया, तो वो मुँह में छाले बना सकता है। फिर दूसरी परेशानी है कि जो माउथ है अपना, जो मुंह है, वो चमड़ी और GIT या आंत है उनका एक जंक्शन है। तो इसकी वजह से जो आंत में होने वाली बीमारी है वो भी मुंह में हो जाती हैं और चमड़ी में होने वाली बीमारी भी मुंह में हो सकती है। जैसे मुंह में होने वाली जो बीमारी है जो आंतों में होती हैं उसमें है सीलिएक डिजीज़, क्रोहन्स डिजीज़ और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अगर मान लो आंतों में बीमारी है तो उसके लक्षण मुंह में भी घाव के रूप में आ सकते हैं, या बेसेट सिंड्रोम, या फिर जैसे स्किन में होने वाली हर्पीज की जैसे परेशानी, हर्पीज सिम्प्लेक्स है, तो वो भी उसके छाले मुंह में हो सकते हैं। फिर तीसरी और इम्पोर्टेंट बात है कि मुंह है उसमें अपना सब चीज़ मुंह में पहुंचती रहती है। जैसे अपने खाना है, पीना है, कोई भी चीज़ है तो सीधे मुंह में पहुँचेगी। मुंह में पहुँचेगी तो क्या है, उसमें बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद है अपनी आदत, अपनी आदतें वो भी मुंह में छाले या परेशानी को जन्म देती है। जैसे अपन बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, जर्दा खा रहे हैं, सुपारी ले रहे हैं, या कोई तरह का नशा कर रहे हैं, जो मुंह में रख रहे हैं, वो भी छाले बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। फिर उसके बाद में एक बहुत अजीब परेशानी आज के टाइम की, वो है टेंशन या तनाव या स्ट्रेस। वो भी छाले बनने में बहुत बड़ा एक तरह से मददगार है, वो छाले बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फिर उसके बाद में है पोषक तत्वों की कमी। अगर हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाए, तो जैसे आयरन की कमी हो जाए, फोलेट की कमी हो जाए, या विटामिन B12 की कमी हो जाए, तो भी मुंह में छाले आ जाते हैं। फिर उसके बाद में है कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो मुंह में छाले बना सकती हैं, ख़ास तौर से जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, या कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, या कैंसर में आने वाली काम में आने वाली दवाई है, वो भी मुंह के अंदर बहुत जल्दी छाले बना देती है। फिर उसके बाद और इम्पोर्टेंट कॉज है एक कैंसर। कई बार जीभ के अंदर कैंसर हो सकता है, या मुंह के अंदर कैंसर होता है, बकल कैंसर होता है। ऐसे तो वो बहुत कम मात्रा में होता है, 1% से भी कम होता है। लेकिन अगर छाला एक ही हो और 3 सप्ताह से ज़्यादा टाइम में हील नहीं हो रहा हो, साथ में एसोसिएटेड कंडीशन हो, जैसे एज ज़्यादा हो, डायबिटीज़ हो और परेशानी हो, तो कभी कभी उसको कैंसर हो सकता है, उसके लिए चेक करवाना चाहिए। फिर उसके बाद अपन जाते हैं कि छाले मुंह में कहाँ हो सकते हैं, कौन सी जगह हो सकते हैं मुंह में। तो सबसे पहले होंठ के पीछे, जीभ के ऊपर, तालुए के पास या तालुए पर, या गाल के पीछे, या मसूड़ों पर, ऐसी जगह छाले मुंह में हो सकते हैं। फिर उससे क्या परेशानी आएगी, मान लो किसी को छाले हो गए तो उसको क्या परेशानी आएगी। तो उसको खाने में परेशानी है, पीने में परेशानी है, बोलने में परेशानी है, और दर्द, अजीब तरह का एक बर्निंग सेंसेशन होता है, वो हमेशा मुंह में बना रहता है। फिर उसके बाद में है डायग्नोसिस। ऐसे तो सेल्फ डायग्नोसिस के खुद ही स्वतः ही उसका पता लग जाता है कि मुंह में छाले हो गए, लेकिन लंबे टाइम तक छाले ठीक नहीं हो रही हो और बार बार छाले हो रहे हो, तो सर्टेन टेस्ट की जरूरत पड़ जाती है, कुछ टेस्टों की जरूरत पड़ जाती है। जैसे CBC, CBC में क्या होगा, खून की कमी का पता लग जाएगा। फिर विटामिन का लेवल, जैसे विटामिन B12 की कमी तो नहीं हो गई है, पेरिफेरल ब्लड फिल्म, जिसमें कोई ल्यूकेमिया वगैरह तो नहीं हो गया, कैंसर तो नहीं हो गया, ब्लड कैंसर तो नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद स्वाब, जैसे अपने कोरोना में देखा था, नेजल स्वाब लिया था, ऐसे ही
ट्रीटमेंट में ज़्यादातर कोई खास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादातर ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, खुद ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी दर्द ज़्यादा हो, परेशानी हो, तो लोकल एनेस्थेटिक जेल होते हैं वो उनको लगाना है। मुंह की हाइजीन है वो अच्छी रखनी है, माउथ वॉश करना है। फिर कभी कभी जो स्टीरॉयड क्रीम है लोकली उसको भी यूज़ करना होता है। और फिर जो खास ट्रीटमेंट होता है, सिस्टमिक ट्रीटमेंट है, वो खास परेशानी के लिए है। जैसे मान लो विटामिन B12 की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, या डायबिटीज़ की बीमारी है, या कैंडिडा का इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके लिए खास ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अपन को अभी देखना है कि बचाव के लिए क्या करना चाहिए कि मुँह में छाले नहीं हो, तो उसके लिए अपन जो हॉट स्पाइसी जो फूड हैं उनसे बचना चाहिए। जो डेंटल हाइजीन है या मुंह की हाइजीन है उसको अच्छी रखना है, या माउथ वॉश रेगुलर करना है। फिर उसके बाद में कभी कभी आपको जान के आश्चर्य होगा, टूथपेस्ट में जो लॉरेल सल्फेट होता है वो भी एलर्जी कर देता है। तो छाले बार बार बनते हैं तो टूथपेस्ट को भी बदल लेना चाहिए। फिर जैसे अपन ने पहले ही जाना था कि तनाव एक बहुत बड़ा कारण है, तो नींद को बढ़ाना है, तनाव को कम करना है, और अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको सुधारना है। एक कॉमन क्वेश्चन बच जाता है, वो कॉमन क्वेश्चन ये कि छाले कॉन्टिजियस हैं या लग सकते हैं एक दूसरे को, तो उसका जवाब है नहीं, नहीं लग सकते। आज ऐसे करके अपन ने एक बहुत कॉमन परेशानी मुँह में छाले या माउथ अल्सर्स के बारे में जाना है। इससे ज़रूरी आपको इससे बेनिफिट होगा। आगे और आप क्या देखना चाहते हैं वो कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।